हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन एकेडमी। और हम जो सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज़ के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो है। और इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे, और जो पहले वाले पार्ट है उसके अगर आपको वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला दे रखा है कि जो नवाचार सूचकांक, नवाचार यानी कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2018 की, उसके बारे में कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसका 11वां संस्करण अभी जारी किया गया था, और इसे जारी में जो पेरिस स्थित बिजनेस स्कूल ऑफ इंडीज और वैश्विक जो बौद्धिक संपदा संगठन है इनके द्वारा ये संयुक्त रूप से दिया जाता है। ठीक है, और इस सूचकांक में जो 80 संकेतों के आधार पर लगभग 120 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, और 2018 था, इसका जो थीम थी वो थी नवाचार से दुनिया को ऊर्जावान करना, एनर्जाइज द वर्ल्ड विथ इनोवेशन। ये इसकी तो 2018 की जो संस्करण था इसकी थीम थी। ठीक है, तो आपको एक तो यह ध्यान रखना है कि भारत का कौन सा स्थान इसमें। ठीक है, तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया था, और वो 2011 से ही शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है, और चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, और पांचवें पर सिंगापुर है। ठीक है, और भारत की इस वर्ष रैंक है 57। ठीक है, जो 60 से इम्प्रूव होके 57 हुई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की रैंक कौन सी है, अभी 57, 57वीं भारत का रैंक है। ठीक है, और 2016 से ही भारत की रैंकिंग में जो लगातार सुधार देखने को मिल रहे हैं। और मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष स्थान पर है, और इसके बाद ईरान और कजाकिस्तान है। यानी कि एशिया वाले साइड में बात करें मध्य और दक्षिण एशिया की, तो उसमें भारत टॉप पर है। ठीक है, और ऐसे बात करें तो 57वें स्थान पर है। तो ये था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। एक्सिस बैंक, तो नए एक्सिस बैंक के एक CMD बनाए गए, प्रबंधक बनाए गए, MD बनाए गए हैं। तो नए अमित चौधरी को बनाया गया है। ठीक है, किसको बनाया गया है, अमित चौधरी को एक्सिस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। और एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी, एक UTI बैंक के रूप में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक के नए जो MD और CEO कौन बने, अमिताभ चौधरी। अगला है US ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 के बारे में। ठीक है, तो ये US ओपन है जो न्यूयॉर्क सिटी में संपन्न हुआ था, और इसमें जो पुरुष एकल का जो खिताब जीता था वो नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के, उन्होंने जीता था। ठीक है, और उपविजेता रहे जुआन मार्टिन डेल पोत्रो जो अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, महिला एकल की बात करें तो नाओमी ओसाका जो जापान की, उन्होंने जीता। उपविजेता सेरेना विलियम्स रहे हैं। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के, USA के। ठीक है, पुरुष युगल की बात करें तो माइक तथा जैक ने मिलकर जीता है, और महिला युगल में बर्टी तथा कोको वेडवेगे ने जीता है। ठीक है, तो ये है। और जोकोविक का ये 14वां ग्रैंड स्लैम का खिताब था, ये आप ध्यान रखिए। और रोजर फेडर और राफेल नडाल ने 20 ग्रैंड स्लैम और 17 ग्रैंड क्रमशः ये जीते हैं। 20 रोजर फेडर ने और 17 राफेल नडाल ने स्लैम जीते हैं, ग्रैंड स्लैम। और नाओमी ओसाका ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जापान की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी भी बन गई है इसके साथ ही। ठीक है, और फाइनल मैच में हार के बाद सरेना ने अंपायर पर जो नस्लभेदी टिप्पणी के भी आरोप किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि इस बार जो है जापान की जो नाओमी ओसाका, इन्होंने जापान की जो प्रथम महिला बन गई है ये जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली है। ठीक है, तो आपको पुरुष एकल और महिला एकल का याद रखना काफी जरूरी, एग्जाम में आते हैं। तो US ओपन में पुरुष में तो नोवाक जोकोविक और महिला में नाओमी ओसाका ने जीता था। अब कुछ राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में को पॉइंट्स है। तो जो रेखा शर्मा है इनको जो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको, रेखा शर्मा को, तो ये ध्यान रखें। और उससे पहले ललिता कुमार मंगलम के पद छोड़ने के बाद उसके बाद ये रेखा शर्मा को बनाया गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो भारतीय संसद द्वारा 1990 में जो पारित अधिनियम जो था उसमें, उसके तहत जनवरी 1992 में इसका गठन किया गया था। ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, संवैधानिक निकाय है एक, ये आप ध्यान रखें। और ये एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः ही
महिलाओं के हित के लिए कार्य या कानून बनाने में या उसको कानून को लागू कर सकती है, इस टाइप की बॉडी है। और इसके और कार्यों की बात करें तो महिलाओं के लिए संवैधानिक कानून सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके लिए सिफारिशें करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, तो ये सारे थे। और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके महिला आयोग के, वो थे जयंती पटनायक। तो ये इनके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि रेखा शर्मा को नया राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। जो एक्ट था वो 1990 था इसके तहत। तो ये मेन बात है जो आपको मेन ध्यान रखनी है। अगली है पुस्तक द रूल ब्रेकर्स, ये किसकी है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो प्रीति सिन्हा ही है, ये ध्यान रखें। ठीक है, बुक किसने लिखी है? प्रीति सिन्हा द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक आत्म खोज करने वाली एक महिला की यात्रा पर आधारित है। आसियान की 15वीं बैठक, सिंगापुर में भारत आसियान आर्थिक मामले की जो बैठक हुई थी वो संपन्न हुई है। और कहाँ पे हुई है? सिंगापुर के अंदर हुई है। और इस बैठक में 10 आसियान देशों के आर्थिक मामलों के मंत्री शामिल थे। तो ये ध्यान रख ले मैंने कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में। और चौथा भारत आसियान वार्ता जो भागीदारी प्रदर्शनी सम्मेलन जो नई दिल्ली में होगा फरवरी 2019 के अंदर, एक ये बात ध्यान रख लें। तो ये दो बातें आप इसमें ध्यान रखें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।